अच्छा, मैं एक बात यहाँ बताना चाहूंगी आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह शंटी जी के बारे में कि देखिए, बात सिर्फ कोरोना की या शव वाहन की या नहीं है, मैं आपको अपना अनुभव बताती हूँ। अभी 1.5 वर्ष पहले की बात है, जब डेंगू की महामारी फैली हुई थी, मेरा बेटा, एक ही बेटा है मेरा, एक बेटी है मेरी, उसको दूसरी बार डेंगू हुआ, जो हेमरेजिक था, बहुत जानलेवा था। मेरा बेटा बहुत क्रिटिकल था और उसका बहुत ड्रॉप हो गए थे। मैंने आपको कॉल किया था और मैंने कहा कि भैया ब्लड चाहिए है, और भैया ने तुरंत ब्लड का अरेंजमेंट किया। वो ईश्वर की कुछ कृपा रही कि उसके प्लेटलेट्स बढ़ने लगे। दिवाली की रात की बात है, तो मैंने कहा दिवाली की रात है, रात को 12 बजे मुझे पता लगा था, क्योंकि बार बार टेस्ट होते थे कि मेरा बेटा, क्योंकि मेरे साथ ये है कि यदि मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो मैं भी साथ में जाती उसके, और मैं भूल गई। मैंने कहा कि ये तो दिवाली की रात है, आप बहुत व्यस्त होंगे तो क्या फ़ोन करना। मैं अपने सभी दर्शकों को बता रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जो आने वाले समय में भी बहुत लोग देखेंगे, बहुत देशों में देखा जाएगा, कि जितेंद्र भाई साहब ने, शंटी भाई साहब ने रात को 12 बजे के बाद मुझे कॉल किया और उन्होंने कहा कि कामना, आपने बताया नहीं कि बेटा कैसा है, ब्लड का इंतज़ाम किया था, ब्लड चढ़ा। मतलब मैं इतनी हैरान रह गई, मैंने कहा इतनी चिंता कौन करता है। शायद मेरा सगा भाई भी होता तो वो इंतज़ार करता कि बहन फ़ोन करेगी। दिवाली की रात थी, क्योंकि पूजा का दिन है और आप देखिए समाज के लिए हैं, तो जाने घर में पूजा भी हो रही होगी, कितने लोग आए होंगे। ऐसे हैं हमारे जितेंद्र सिंह शंटी भाई साहब, उन्होंने रात में फ़ोन किया और जब मैंने कहा नहीं, सब कुछ ठीक है, और लगातार मेरी सहायता करते रहे कि उसमें फॉर्म भरना होता है, वो भी उन्होंने कहा आप रुक जाओ, आप वहीं रहो, क्योंकि कोविड भी चल रहा था उस समय, मुझे भी कोविड हो सकता था, मैं बहुत ज़्यादा बाहर मूव नहीं कर सकती थी, अस्पतालों के आगे पुलिस भी लगी हुई थी। आपने व्हाट्सएप से मुझे फॉर्म का जो भी फॉर्मेट था वो भेजा, वो बताया, और ब्लड का इंतज़ाम मेरे पुत्र के लिए किया, जबकि उस समय भी ब्लड की कमी चल रही थी। तो ये डेंगू के समय, ये मेरा, मैं तो उन हज़ारों लाखों में से एक हूँ जिसका ये व्यक्तिगत अनुभव है। और अभी 1.5 माह पहले मेरे पिताजी बहुत क्रिटिकल थे, बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत खराब थी, ईश्वर की दया से, भगवान के चमत्कार से आज उनको जीवन दान मिला है। उस समय भी मैं बहुत परेशान चल रही थी और मैंने भैया को कॉल किया, और मेरे एक कॉल करने पर जितने हॉस्पिटल्स के फ़ोन नंबर आप दे सकते थे, सिर्फ ब्लड डोनेशन की बात नहीं है, सिर्फ कोरोना की बात नहीं है, सिर्फ मेरे अनुभव की बात नहीं है, रात को आपने जब कहा, आपकी माताजी ने कहा कि 2 बजे भी कॉल आए, तो कितनी बार ऐसा हुआ है, मैंने स्वयं कॉल किया था, किसी भी समय कॉल आए आप उसको याद रखते हैं, वो नंबर देते हैं और सहायता करते हैं। इसकी साक्षी मैं, कामना मिश्रा स्वयं हूँ, जो आज का साक्षात्कार ले रही हूँ। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली नहीं समझती हूँ कि वे तमाम लोग जिनके लिए आपने सेवा करी, उनमें से एक मैं भी हूँ। तो मैं आपको हृदय तिल से पूरे विश्व के सामने, एक माँ होने के नाते, एक बेटी होने के नाते, आपको कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि आपने मेरे भी परिवार के लिए बहुत किया, बहुत फर्ज किया। जी अपना निभाते रहे, फर्ज तो है, लेकिन सब नहीं निभाते भाई साहब। मैं फर्ज तो कहता हूँ कि कौन कहता है कि आसमान पे सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार, बिल्कुल कोशिश तो करो। और बड़ा सौभाग्य है मेरा कि मैं आज यहाँ आपके साथ बैठी हुई हूँ। आज 35 एम्बुलेंस रन कर रहे हैं हम। आपने पिंक एम्बुलेंस भी इनॉग्रेट की थी। दो पिंक एम्बुलेंस हैं जो महिलाओं के लिए हैं। जी, मैं आई थी उसमें। उसमें ड्राइवर भी महिला है। जी जी। तो इसलिए कि कई महिलाएं अनसेफ महसूस करती थी, कोई डिलीवरी के लिए जा रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं। तो ये आपने सोचा, ये विचार आपको महिलाओं के विशेष रूप से कैसे आया? नहीं कहा था कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा लेडीज के लिए। इसी प्रकार हमने मोर्ची बॉक्स जो बनाए हैं, वो जैसे किसी की डेथ हो जाती है और डेड बॉडी क्या करते हैं हॉस्पिटल वाले, इतने चलाक हैं, 95% हॉस्पिटल में बिल तो बड़े मोटे लेते हैं, लेकिन जी जी। जब डेथ हो जाती है रात को कहेंगे बॉडी घर ले जाओ। हाँ, मोर्चरी नहीं है उनके पास। मैं, मुझे पता है। अब मोर्चरी नहीं तो बेचारे घर वाले कैसे रखेंगे, बॉडी खराब हो जाएगी। जी जी जी। बाजार से वो बॉक्स मंगाते हैं तो 7-8 हजार रुपए पर डे का किराया है। तो ऐसे हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल मोर्ची बॉक्स भी प्रोवाइड कराते हैं, चाहे वो एक दिन रखें चाहे 6 दिन रखें। धन्य हैं आप। मैं आपके काम जो आप बताते जा रहे हैं, मतलब ये लिस्ट एंडलेस है, और इतनी शुभकामनाएं आपको, बहुत कुछ। अब आप अपने बच्चों के बारे में कुछ बताएं, आपके 2 पुत्र हैं जितनी मुझे जानकारी है। देखिए मैं सौभाग्यशाली हूँ क्योंकि आजकल ना जो एक ट्रेंड चल रहा है कि अगर बच्चे, पिताजी अगर दुकानदारी कर रहे हैं तो बच्चे कहेंगे नहीं जी, नहीं मैं तो अमेरिका जाऊंगा। हाँ हाँ, ये ट्रेंड तो चल रहा है। मैं तो डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। जी जी। तो पिताजी का काम समाप्त हो जाता है। मेरा, मैं भाग्यशाली हूँ कि जो काम मैं बिना पढ़े लिखे, बिना ट्रेनिंग के कर रहा था, वो मेरा बेटा लंदन से करके आया, कोवेंट्री यूनिवर्सिटी से जाके, डिजास्टर मैनेजमेंट में। बिल्कुल सेम ही काम है।
ये भूचाल आना, तूफान आना, कोरोना आना, बाढ़ आना, ये प्राकृतिक आपदाएं जितनी भी हैं। दिल्ली में बाढ़ आई थी, यहाँ हम लोगों ने भी बहुत काम किया। इवन देन हमने 50,000 आपने दिल्ली के बाहर भी बहुत काम किया। उत्तराखंड गए हम, कश्मीर गए हम, जी जी हिमाचल गए हम, सैनिटरी पैड हमने बांटे 50,000 जो गवर्नमेंट का फर्ज बनता था। तो मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरा बच्चा उसमें, दूसरा बेटा मेरा सोशल मीडिया में बड़ा एक्टिव है जी। पहले मुंबई में काम करते थे फिल्म इंडस्ट्री में, अब वो मनीष जी दिल्ली में रह के हमारे साथ सारा सोशल मीडिया संभालते हैं और लोगों का भी करते हैं। क्या नाम है छोटे बेटे का? मनीष पाल सिंह बड़े वाले हैं, छोटे ज्योतजीत सबरवाल हैं। अच्छा, तो इसलिए मेरे लिए सौभाग्यशाली मैं ये रहा कि दोनों बच्चों ने मेरा साथ दिया। आपकी धर्मपत्नी, उनका नाम भी बताएं, मनजीत कौर मेरी धर्मपत्नी है जी। और वो उनके अगर ख्यालात मेरे से नहीं मिलते तो मैं बिल्कुल ही ना कर पाता। ये सुनिए, आपकी पत्नी बिहाइंड अ सक्सेसफुल मैन देयर इज अस वुमन, ये कहावत सच आप चरितार्थ कर रहे हैं। इंसान के घर में कितने भी देखो, हर मियां बीबी के घर में कोई ना कोई बात होती है, लेकिन बुरे वक्त में पत्नी ने साथ दिया। पत्नी आपके ये स्टेटमेंट से जो हमारी मातृशक्ति है वो बहुत प्रसन्न होगी। देखिए पहले जीवन में बच्चे को एक रास्ता दिखाती है माँ जी, बिल्कुल, उसके बाद पत्नी। पत्नी माँ के रूप में भी होती है, पत्नी के रूप में भी होती है, मित्र के रूप में भी होती है। मित्र भी कह सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि वो कई बार अच्छे निर्देश भी दे देती है साथ देते हुए, कई बार कड़क भी दे देती है। बिल्कुल, प्रेम विवाह हुआ था आपका या अरेंज मैरिज? नहीं, हम लोगों में अरेंज मैरिज थी। अच्छा, तो लेकिन प्रेम बाद में हो गया। प्रेम तो होना ही होना, और बेचारे नहीं है। नहीं, वो बात नहीं है। देखिए जब इतना साथ होता है और इतना तालमेल होता है और आपके परिवार में बहुत एकता है, आप में बहुत प्रेम है, बच्चे भी आपके बहुत, तो मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप देखें कि परिवार में एकता, जीवन साथी का साथ, और आपके माता पिता ने आपको संस्कार दिए, आपकी माता जी ने, आपके पिताजी का देहांत हो गया तो बहुत बड़ा सहयोग आपकी माता जी का रहा, और फिर आपने और आपकी पत्नी ने जो लालन पालन किया वो संस्कार आपके बच्चों में, यानी हम कैसे अपने बच्चों का लालन पालन कर रहे हैं। बाकी आपका जो सिख धर्म है वो सेवा भाव सिखाता ही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।